प्रणाम। हाजिर एक बार फिर से कसक विद कौशल के साथ। चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश और बिहार में चुनाव होंगे होंगे, भले कोरोना मरे या ना मरे, लेकिन चुनाव होगा। कुर्सी का सवाल है भैया, चुनाव तो होना ही होना होगा, है ना। परीक्षा नहीं टल रहा है तो चुनाव कहाँ से टल जाएगा, मजाक है, है? पैसा जब घटे तो दो काम कर लो, या तो जो है दारू बेच दो, एक नंबर कमाई है उसमें, दूसरा जो है परीक्षा दिलवा दो, फॉर्म भरवा दो, बिना मतलब के वैकेंसी निकाल के फॉर्म भरवा दो, और इसके बाद फिर एकदम देखो यार भीड़ जैसा चाहेगा, सब लोग जो है एकदम जाएगा, और इसके बाद फिर फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने का खर्चा कितना, 1,000 रुपया करके पूरा से भर लो, मिलेगा नौकरी, और इसके बाद फिर आप जो है बम बम सरकार, तो और भी बम बम, है ना। और उसी में एक आदमी घोटाला उटाला हो गया तो फिर सोचो ही मत। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग बातें कर रहे थे चुनाव की। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, है ना। कुछ गाइडलाइंस नाम का भी कुछ चीज़ होता है, नेता लोग तो बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं जी। गाइडलाइंस का कहना है क्या, चुनाव आयोग जब होता है क्या कहते हैं उसको, अरे ये लग जाता है ना, अरे कोची लग जाता है, हो आचार संहिता, है ना, आचार संहिता लग जाता है। तो उल्लंघन तो कोई करता नहीं, हमारे नेता देश के एकदम बहुत एकदम एक नंबर कटका एकदम। सुप्रीम कोर्ट कहेगा आचार संहिता लागू है भैया, आप ऐसा काम मत कीजिए। अच्छा ऐसा कहे हैं, ठीक है हम वही करेंगे, ओके जी। तो आइए, और उसमें भी बिहार का चुनाव अगर हो तो उसमें बिहार का चुनाव का तो कहना ही नहीं है। बिहार का चुनाव का तो ऐसा हाल है भैया, घर से निकलो ना तो पता नहीं चलता है कि चुनाव है कि का, ठीक ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो लेकिन ये कोरोना काल में थोड़ा सा गाइडलाइंस अगर जारी होती है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक मंच अगर सजा होता, गाइडलाइंस में ऐसा कुछ दिया गया है कि सार्वजनिक मैंने एक जगह जो है 5 लोगों से अधिक इकट्ठे नहीं होंगे, प्रचार उचार नहीं करेंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं सोचिएगा, गलती में नहीं रहिएगा, हम लोग वीर हैं एकदम खतरनाक टाइप के। तो देखिए जरा सोचिए कि अगर अभी के टाइम में अगर देखा जाए बिहार के चुनाव को, तो बिहार के चुनाव का एक ही लाल है, वो है लालू यादव। अगर वो जब तक है तब तक बिहार को कोई छू नहीं सकता है, चाइना भी नहीं, ठीक है। और तो और समझ लीजिए क्या चीज, एक नेता और है हमारे देश के जो अभी जो है वो सुपरस्टार है, और वो है हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नमन है उनको। क्या डिप्लोमेसी है, गुण तो ऐसा है कि दुनिया वाला भी उनका गुणगान करता है भैया, आप समझ लीजिए। ये झूठ बात नहीं है, देख लीजिए अमेरिका ट्रंप जी, वो भी जो है बोलते हैं यस मोदी इज माई फ्रेंड, है ना, मोदी इज माई फ्रेंड वो भी कहते हैं। लेकिन खैर आप चिंता ना करें। तो देखिए अगर इस चुनावी रैली में हो तो दोनों की वार्तालाप की क्रिया किस प्रकार से होगी, इसकी एक झलक आप सब के सामने में प्रस्तुत है। आप थोड़ा सा इसको देखें, जाने पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मजा आएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों प्रणाम करता हूं इस देश की धरती को, प्रणाम करता हूं बिहार के इस लाल को। हमारा नाम ले आता हूं लाल, मतलब एक को है लालू, तब सीधा सीधे बोलो कि प्रणाम करते हैं लालू का, जीत रहो जीत रहे। बहनों एवं भाइयों देख लीजिए इस इंसान को, देख लीजिए जो अभी जेल की सजा काट रहा है वो आया है चुनाव लड़ने के लिए। अरे तुम ऐसे कहा कहता, हम अहिर है जादो समझा, और तुम क्या बोलता है, चुप सुनो, हमारा जो कृष्ण भगवान थे बहुत जेल में गए रहे अन्याय खातिर मिटारने के लिए, और ये जो तुम लोग जो है ये बना के रखा है, एक दिन तुम देख लेना तुम्हारा अन्याय का कुर्सी एकदम उखाड़ का फक दंगा हो, चुप ऐसा मत रखा। बहनों भाइयों आज हम लोग बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हें जरा भी चिंता की बात करता है, तुमसे ज्यादा काम किए हैं बाढ़ वाला क्षेत्र में, तुम जाकर देख लो। हमारा बेटा तेजस्वी क्या समझा, बाढ़ में दिया नाव पर समझा, और तुम यहां सूट के फपका लगा मोरना चाह रहा है, सिखा रहा
सब बोलते हैं बंद करो ये सब। बहनों भाइयों, हमारे पार्टी की ये हमने कश्मीर से धारा 370 हटा दी। तुम 370 हटा दिया तो कहा, हम रहते तो टोटल 420 हटा देते। क्या समझे बंद करो। बहनों भाइयों, मैं कहता हूं भारत माता की जय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पंग मना के पंग मना की जाए। हमने साथ है बोलो भारत माता की जय। अरे दोनों हाथों खड़ा होकर के बोलो भारत माता की जय, जय हो। पंग पर यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।